सत्ता बदलने के बाद भी यूपी में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी बानगी बिजनौर में देखने को मिली। यहां बदमाशों ने बालावली पुलिस चौकी इंचार्ज सहजोर सिंह मलिक की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को खेत किनारे फेंक कर फरार हो गए। वारदात का पता उस वक्त चला जब वहां से गुजर रहे एक शख्स की नज़र शव पर पड़ी। जब हम बाइक गाड़ी से आ रहे थे, बच्चे के साथ थे, तो हमने बाइक देखी यहाँ पर। बाइक हमने पहचान ली कि ये दरोगा जी की। बराबर में मोबाइल पड़ा हुआ था, हमने आवाज़ दी दरोगा जी कही। तो फिर हमने इधर उधर तलाश किया तो देखे तो नीचे पड़े। सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी और डीएम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों में काफी देर तक डॉग स्क्वाड के साथ कॉम्बिंग अभियान चलाया। मौके से दरोगा का सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है। डेड बॉडी के पास से एक धान काटने वाला औजार भी मिला है सबको और इनकी पिस्टल भी इस समय गायब है। हम लोग इस घटना के सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन हो सकता है। इस समय यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लांस डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट सभी को बुलाकर सभी महत्वपूर्ण साथ इकट्ठा किए गए और जल्दी हम लोग किसी मदद कर रहे हैं। यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस वारदात के बाद एक बात तो साफ है कि जब सूबे में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। बिजनौर से राजवीर चौधरी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।